प्रिंस मेहरा है। मैं 1990 से साइकिल पे समाज सेवा कर रहा हूँ। 2011 में फिर मैंने अपने जो बाईसाइकिल थी मैंने उसको बर्ड एम्बुलेंस का नाम दे दिया। कहीं भी रास्ते में कोई पंछी जख्मी मिल जाता है तो मैं उसका इलाज करके उसको आजाद कर देता हूँ। वाकई कितनी अनोखी है हमारी ये दुनिया, हमारा देश, हमारा परिवेश, जिसमें हम जैसे इंसानों ने सभी चीजों को अपने बस में कर रखा है, जहां हम जैसे इंसान जो चाहते हैं वो करते हैं, सब कुछ अपने अनुरूप चला रहे हैं। यही वजह है कि आज इंसान भी अपने आप को किसी फरिश्ते से कम नहीं समझता, जिसके चलते आज के समय में सभी चीजों पर उनके अस्तित्व का खतरा मंडराने लगा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो प्रकृति की नियत समझते हैं, जिन्हें इनकी परवाह है। इनके साथ उन बेजुबानों की भी परवाह है जिन्हें हम दिनों दिन खत्म होने के लिए छोड़ रहे हैं। आज हम आपको मिलाने आए हैं बेजुबानों के फरिश्ते प्रिंस मेहरा से। आज आसमान में उड़ता बेपरवाह पक्षी शायद हर किसी को भाता है, और उसको देखकर हमारे जहन में ख्याल आता है कि हम भी उसी की तरह उड़ सके। लेकिन जब वही पक्षी किसी रास्ते किसी जगह पर घायल होकर गिरा रहता है या पड़ा रहता है, तो हम उसके पास से गुजर जाते हैं, उसका बिना ख्याल किए उसको वहीं छोड़ देते हैं मरने के लिए। लेकिन पंजाब के चंडीगढ़ के रहने वाले प्रिंस मेहरा उन सभी बेजुबान पक्षियों का ख्याल रखते हैं जिनको उनकी जरूरत होती है। अब तक हजारों पक्षियों की जान बचा चुके प्रिंस मेहरा को लोग एम्बुलेंस मैन के नाम से भी जानते हैं, और प्रिंस ने ऐसी ही पोर्टेबल एम्बुलेंस भी बनाई है जिसमें वो रास्ते में मिलने वाले सभी जख्मी पक्षियों को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। यही नहीं, वो इन पक्षियों का खुद भी इलाज करते हैं। इसके अलावा पक्षियों की मौत हो जाने पर प्रिंस मेहरा उनका अंतिम संस्कार तक करते हैं। क्यों, कमाल है ना प्रिंस मेहरा। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, सोशल वर्कर रिकॉर्ड से लेकर तमाम अवार्ड होल्डर प्रिंस मेहरा 1990 से लेकर अब तक समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। मुझे स्टेट अवार्ड मिला हुआ है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और 2015 में मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। इसके अलावा 60 के करीब मेरे पास अवार्ड्स हैं जिससे मैं सम्मानित हो चुका हूं, और 17 किताबों में बुक्स में मेरा नाम दर्ज है। आज प्रिंस मेहरा हर दिन अपने घर से एम्बुलेंस साइकिल पर निकलते हैं ताकि वो शहर में घायल किसी पक्षी की तलाश कर सके और उसको हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज कर सके या फिर उसका इलाज खुद कर सके। हालांकि इसकी शुरुआत प्रिंस मेहरा ने कब की, हम आपको सुनाते हैं। 2011 में मैं फिरोजपुर आर्मी अचीवमेंट में गया था। वहाँ एक स्वीपर जो काम करने वाली थी, वहाँ जहाँ हम ठहरे हुए थे, वो कबूतर को डस्टबिन में डाल रही थी। तो मैंने उसे पूछा इसे क्या हो गया, तो वो कह रही इसे करंट लग गया, और सुबह भी एक कबूतर को करंट लगा था। तो मैंने उसे पूछा वो कहाँ है, उसने कहा कि मैं ये डस्टबिन में है। तो मैंने उससे भी कबूतर लिया और डस्टबिन से कबूतर को निकाला, और वहीं साथ में जो ग्राउंड था कैंपस का, तो मैंने वहाँ पर उनका दाह संस्कार कर दिया। 2011 में फिर मैंने अपने जो बाईसाइकिल थी मैंने उसको ब्लड एम्बुलेंस का नाम दे दिया। तो कैसी लगी आपको प्रिंस मेहरा की इस जज्बे की कहानी, जो पक्षियों की जिंदगी बचाने के लिए हर दिन मेहनत कर रहे हैं? हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही जुड़े रहें दी इंडियन नेस के साथ, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।